तो है गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V के बेस वेरिएंट के बारे में, यानी कि सिंगल डिस्क और रियर में इस वेरिएंट में आप लोगों को मिलेगा ड्रम। तो ये हो जाता है अपना बेस वेरिएंट। टोटल 3 वेरिएंट में बाइक अवेलेबल रहती है। बेस जो कि आज अपन लोग कवर करने वाले ही हैं, ये है मिड वेरिएंट जिसका कि वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, ड्यूल डिस्क विदाउट बीटी कनेक्टिविटी, फ्रंट में भी डिस्क है रियर में भी डिस्क है, ये है अपना मिड वेरिएंट। और टॉप एंड वेरिएंट जो हो जाता है वहाँ पे सिर्फ आपको बीटी कनेक्टिविटी ही ऐड होगा एज कम्पेयर टू मिड वेरिएंट। सो ये देख सकते हो रियर में यहाँ पे सेम डिस्क मिलता है जो कि टीवीएस एंटॉर्क में, फ्रंट में आप लोगों को मिलता है 200mm का, यहाँ पे रियर में डिस्क मिल जाता है। बाकी और कोई चेंजेस नहीं है, डिस्क रियर में, रियर में ड्रम। तो बेस टू मिड ये एक डिफरेंस हो जाएगा। और उसके ऊपर वाले टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिल जाता है बीटी कनेक्टिविटी, यानी कि स्मार्ट एक्स कनेक्ट। सो इस टाइप से ये हो जाती है जी अपनी तीनों ही वेरिएंट की डिटेल्स कंप्लीट। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, जो कि वेरिएंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बता देता हूं। बेस वेरिएंट ऑन रोड जयपुर कॉस्ट करता है 1,45,500 रुपये, 1,45,500 रुपीज़ ऑन रोड जयपुर 1,45,500 रुपये। मिड वेरिएंट ऑन रोड जयपुर 1.49, लगभग 1.5 लाख रुपए कंसीडर आप लोग इसको कर सकते हो। और जो टॉप एंड वेरिएंट आ जाता है बीटी कनेक्टिविटी के साथ, वो ऑन रोड जयपुर आपका रहेगा 1.53। सो 1,45,000 और 1,53,000 ये आपका एंड होगा, लगभग 8,000 रुपए का बेस टू टॉप आपका प्राइसिंग में डिफरेंस आ जाने वाला। बात करते हैं कलर ऑप्शंस की, तो टोटल 6 कलर ऑप्शन में 162V अवेलेबल रहेगा। आप देख लेते हैं क्या कुछ बाइक में आप लोगों को ये मिल जाता है। फ्रंट में मिलेगा वाइजर वाला पैटर्न, शेप आप लोगों को पता ही है, लाइटिंग सेटअप स्पेशली ये अपडेट हुआ था अभी रिसेंटली, उसके साथ ना हेडलैम्प सेटअप काफ़ी अच्छा बन जाता है, हेडलैम्प भी प्लस टेल लैम्प भी। यहाँ पर आप लोगों को सेंटर में मिलेगा वाइजर वाला पैटर्न जो कि ब्लैक कलर के साथ इतना एक कॉम्बिनेशन आइडिया नहीं होगा जैसा कि वाइट कलर में ये आप लोग देख सकते हो। तो सेंटर में यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है एक प्रॉपर वाइजर वाला लेआउट। स्क्रू है, ये आपका डैमेज हो जाता है तो इसको रिप्लेस भी करवा सकते हो। ट्राई कलर वाला लोगो आ जाएगा अपने सभी वेरिएंट में, जैसा कि टीवीएस की सभी बाइक्स में, सभी स्कूटीज में ये वाला पैटर्न रहता ही है। प्लस जो टॉप एंड वेरिएंट रहेगा बीटी कनेक्टिविटी के साथ, उसमें इस साइड पे एक स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर भी ऐड हो जाता है। इग्निशन ऑन कर लेते हैं और लाइटिंग सेटअप देखते हैं किस टाइप से आप लोगों को ऑन ये रहेगा। पहले की देखते हैं, तो इस टाइप से की का लेआउट है, रेगुलर वाला ही पैटर्न, वेव की यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलेगा जैसा कि 164V में वेव की मिलती है। इग्निशन के साथ इस टाइप से LED DRL और एक कंपार्टमेंट आपका ऑन रहेगा हेडलैम्प का, ये ड्यूल कंपार्टमेंट में हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। टीवीएस का लोगो भी है अंदर, प्लस टीवीएस की प्रॉपर यहाँ पे मार्किंग भी मिल जाती है। सो ये एक एंग्री लुक बनता है ऑन होने के बाद। रियर टेल लैम्प भी देख लेते हैं, तो इस टाइप से ये आपका LED में क्लियर ग्लास में टेल लैम्प का सेटअप आपको मिलेगा। नंबर प्लेट का बल्ब और इंडिकेटर सेटअप ये आपको मिलेगा हेलोजन में। सो ये हेलोजन प्लस LED का एक कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे अपना बन जाने वाला है। सो ये हो जाती है अपनी लाइटिंग सेटअप। नंबर प्लेट का होल्डर आ जाता है आपका रेगुलर जगह पे ही। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। थिकनेस और ट्रेवल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये आपको मिलेगा। फ्रंट मडगार्ड ड्यूल टोन में है, मैट ब्लैक वाला एक छोटा पार्ट आएगा, प्लस बॉडी कलर स्टिकरिंग फ्रंट टू एंड ये देखने को मिलेगा। एक रेसिंग स्ट्रिप वाला लुक है, कार्बन वाला लेआउट भी है, प्लस रेड का हाईलाइट भी बाइक में आप लोगों को सब तरफ देखने को मिल जाने वाला है। सुपर मोटो ABS का एक स्टिकर यहाँ है, क्योंकि सिंगल चैनल ABS ही सभी वेरिएंट में सिंगल चैनल ABS के साथ ही बाइक अवेलेबल रहेगा। अभी फिलहाल के लिए 164V अवेलेबल हो चुकी है ड्यूल चैनल ABS के साथ, बाइक अवेलेबल होती ही वीडियो आप लोगों के लिए आ जाने वाला है। थोड़ा सा नॉइस आएगा एक्सटर्नल, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। 1990-17 इस टाइप से अपना टायर की ग्रीडिंग रहेगा, 90 सेक्शन का 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर ही आप लोगों को मिल जाता है। फ्रंट ब्रेकिंग की बात करते हैं, तो 270mm का फ्रंट पेटल डिस्क मिलेगा। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग अवेलेबल नहीं है, जैसा कि TVS की सभी बाइक्स पे, सभी स्कूटीज पे ये चीज़ भी कॉमन है, ब्रेकिंग की कोई मार्किंग अवेलेबल नहीं रहती। बट जैसा कि RTR 310 हुआ, 310 RR हुआ, इस पे ब्रेकिंग मिल जाता है, बट एक लोअर सेगमेंट में कोई भी ब्रेकिंग की मार्किंग अवेलेबल नहीं रहेगा। ट्यूबलेस ये टायर है TVS का ही, 100 सेक्शन ये होता तो और अच्छा रहता, अभी मिलता है 90 सेक्शन का। टायर का पैटर्न कुछ आपका इस टाइप से ये मिलेगा, और ये रहा आपका अलॉय का शेप। क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर यहाँ पे मिलेगा ब्रश क्रोम में, ब्रेक लीवर और ये रहा क्लच लीवर। क्लच का फील भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, और यहाँ पे एक रबर कवरिंग भी मिल जाती है जो कि लुब्रिकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। बार एंड मिल जाता है मेटल में। ये रहा आपका साइड प्रोफाइल। सीट हाइट का कोई इशू इस बाइक के साथ आपको को नहीं होने वाला। सीट का लेआउट देखते हैं पहले। सो कॉम्बिनेशन में एक तो फैब्रिक भी मिलेगा, रेड वाला स्टिचिंग का सेटअप ये आ जाता है, ये जो कर्व है इसकी वजह से भी, और प्लस जो क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है इसके साथ बिना बाइक पे कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा आप लोगों को फील होने वाला है। 790mm का टोटल यहाँ पे सीट हाइट ये मिलेगा। पिलियन कम्फर्ट भी काफ़ी अच्छा है, प्लस पिलियन के लिए यहाँ पे फुट रेस्ट भी साड़ी गार्ड के साथ ही सिंगल पीस में ये देखने को मिल जाता है। 790mm टोटल सीट हाइट। फ्यूल टैंक देखते हैं, तो फ्यूल टैंक तो लेआउट काफ़ी अच्छा है, राइडर POV काफ़ी अच्छा फील होगा, स्पेशली विथ अपना ये जो
पैनल्स हैं, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा एक बल्की लुक यहाँ पे बैठने के बाद बाइक पे मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी टोटल 12 लीटर। मेटल शटर वाला पार्ट प्लस जो काउल्स हैं ये आपको मिलेंगे फाइबर में ही। 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। जो स्टिकरिंग फ्रंट से स्टार्ट हुआ था वो आप लोगों को टैंक पे भी है और ये एंड तक आपका रियर फेयरिंग पे भी आ रहा है। 12 लीटर रेसिंग सिंस 1982 एक एम्बलम मिलेगा। E20 का स्टिकर है। ये रहा अपना फ्यूल कैप कुछ इस टाइप से और रेड वाला हाईलाइट भी यहाँ आ जाता है। TVS का लोगो है जो कि 3D एम्बलम वाला ये रहेगा और ये अपना स्टिकरिंग वाला लेआउट आ जाता है बॉडी कलर के अकॉर्डिंग। RT रेस ट्यून्ड FI एक स्टिकर यहाँ है प्लस कार्बन वाला लेआउट काफ़ी सारी जगह आप लोगों को इस बाइक में मिलेगा। इस पैनल पे भी है, साइड पैनल पे भी है। ये रहा कार्बन ही कार्बन, अपाचे की प्रॉपर मार्किंग। इस टाइप से इंजन का लेआउट है अपना अपोजिट साइड से। एक बार अपोजिट साइड का भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। 5-speed गियरबॉक्स के साथ बाइक आ जाती है। फुट पैक पे रबर कवरिंग राइडर के लिए, पिलियन के लिए नो कवरिंग। स्टैंड सेंटर स्टैंड साइड स्टैंड यहाँ पे आप लोगों को दोनों ही मिलेगा विद साइड से इंजन कट ऑफ। तो ये हो जाता है अपना राइडर POV कंप्लीट। स्विचेस की बात करते हैं फिर आते हैं MID पे। क्लच का फील जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी लाइट है। पास वाला एक स्विच यहाँ है, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर। इस टाइप से ड्यूल बजर में काफ़ी लाउड और काफ़ी अच्छे साउंड का यहाँ पे हॉर्न मिलेगा। राइडिंग मोड्स 3 यहाँ पे मिलेंगे, रेन अर्बन एंड स्पोर्ट्स। उसको चेंज करने के लिए यहाँ एक स्विच है, किल स्विच, देन अपना स्टार्टर। इस टाइप से थ्रोटल ग्रिप वगैरह रहेगा और RTR 160 का एक जेल वाला यहाँ पे प्रॉपर एम्बलम भी मिल जाता है। क्लिप ऑन हैंडल बार है ही। MID में देखते हैं तो MID का पहले स्टार्टअप देख लेते हैं एक बार ना। तो इस टाइप से MID का स्टार्टअप है। BT कनेक्टिविटी वाला जो टॉप एंड वेरिएंट रहेगा उसमें और फीचर्स ऐड हो जाते हैं। अभी के लिए क्लॉक यहाँ आ रहा है, टैकोमीटर यानी कि RPM मीटर ये अपना ऊपर रहा, रेवल्यूमीटर की लाइट है, दो स्विचेस हैं चेंजेस करने के लिए, प्लस ओडोमीटर अभी शो हो रहा है, स्पीडोमीटर डिजिटल में, फ्यूल गेज, जिस भी मोड में बाइक है वो आपका यहाँ शो होगा। अब इसको चेंज करते हैं। सो ये आ गया रेन पे, अर्बन और स्पोर्ट्स। सो इस टाइप से 3 राइडिंग मोड्स हैं, चेंजेस करके देखते हैं। सो ट्रिप 1, ट्रिप 2 हाई स्पीड, कितना इस बाइक ने अभी तक हाई स्पीड अचीव किया है। चेन का सेटअप फुली ओपन वाला यहाँ पे रहेगा जिसको कि ल्यूब और क्लीन करने का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। रियर टायर की बात करते हैं तो ग्रेडिंग यहाँ पे है जी 110/80/17। 110 सेक्शन का टायर रियर है, 90 सेक्शन का टायर अपना फ्रंट था। 120 रियर होता और 100 के आसपास अपना फ्रंट होता ना तो और ज़्यादा अच्छा ही सेटअप बन सकता था। टायर का पैटर्न सिमिलर है फ्रंट की तरह ही, रिफ्लेक्टर और एक रिफ्लेक्टर, तो 3-piece में रिफ्लेक्टर आ जाता है। टेल टाइडी का साइज़ भी काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी अच्छा ही है यहाँ पे मिलेगा। 5-step एडजस्टमेंट के साथ रियर सस्पेंशन यहाँ पे मिलेगा, ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला विथ नाइट्रॉक्स, और ये है आपका गैब्रियल की प्रॉपर मार्किंग के साथ। इस टाइप से सस्पेंशन का ट्रेवल है। RTR की प्रॉपर मार्किंग एम्बोज्ड वाली हीट शील्ड पे भी मिलेगा क्रोम में, और एग्जॉस्ट का लेआउट कुछ अपना इस टाइप से है। रियर ब्रेकिंग की बात करते हैं तो 130mm ड्रम रियर में बेस वेरिएंट में आपको ये रहेगा। इस टाइप से इंजन का लेआउट है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक आपको कवरिंग भी मिल जाती है इंजन एक फुट प्रोटेक्शन के लिए, जैसा कि ब्रेक लीवर से, तो ये फाइबर कवरिंग ये मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा ये लेआउट बन जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो 159.8 cc का एयर कूल 2-वॉल्व इंजन यहाँ पे मिलेगा 5-speed गियरबॉक्स के साथ। 15.53 BHP का पीक पावर है और 13.85 Nm का टोटल टॉर्क है। 0 to 60 का टाइम जो कंपनी क्लेम करती है वो है 5.44 सेकेंड्स में। लेग गार्ड भी मिल जाता है सेम जैसा कि अपोजिट साइड पर था, वही पैनल भी है और एक TVS रेसिंग के स्टिकर के साथ इंजन काउल भी यहाँ पे बॉडी कलर में ही, प्लस मैट ब्लैक वाला छोटा एरिया है ये भी यहाँ पे मिल जाता है। अब कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट और सुनते हैं एग्जॉस्ट नोट। तो साइलेंट स्टार्ट यहाँ पे नहीं है जैसा कि रॉनिन में मिलता है। अभी कोल्ड स्टार्ट पे है बाइक। तो इस टाइप से कुछ एग्जॉस्ट नोट आपको यहाँ पे बाइक में मिल जाने वाला है। सो इसी के साथ ही हो जाती है अपनी सारी डिटेल्स कंप्लीट। बेस वेरिएंट, मिड वेरिएंट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। टॉप वेरिएंट अवेलेबल होते ही टॉप वेरिएंट का भी प्लस RTR 182V का भी आप लोगों के लिए वीडियो आ जाने वाला है। सो मिलता है अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। अब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।